फ्रेंड्स, अगर आप एक रेसलिंग फैन हैं तो मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया 30 का वो अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाला इमोशनल मैच आप लोग अब तक भूल पाए होंगे, क्योंकि ये मैच काफी शानदार था और इसमें ब्रॉक लेसनर ने WWE के हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा स्ट्रीक तोड़ दिया था और वो था अंडरटेकर के रेसलमेनिया का अनडिफीटेड स्ट्रीक। और जैसे ही ये स्ट्रीक टूटा और अंडरटेकर उस मैच को हार गए, मानो पूरे के पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई थी। वहां मौजूद हर एक इंसान इमोशनल हो गया और कई लोग तो रोने तक लग गए थे। लेकिन उन सारे लोगों के बीच वहां पर दो ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि उस वक्त भी काफी ज्यादा खुश थे और हंस रहे थे, और वो थे WWE सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर और उनके मैनेजर पॉल हेमन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों उस इमोशनल घड़ी में जब वहां मौजूद हर एक इंसान लिटरली रो रहा था, उस वक्त भी ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे और हंस रहे थे, क्योंकि इन्होंने अंडरटेकर के इतने बड़े और इतने लंबे चले रेसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी क्या इन दोनों को वहां पर ऐसा करना चाहिए था? उस वक्त वहां बैठा हर WWE फैन दुखी था, इवन अंडरटेकर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और रोने तक लग गए थे। लेकिन फिर भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये दोनों बस अपने आप में मगन थे, खुशियां मना रहे थे और बस हंसे जा रहे थे। तो दोस्तों, इससे तो यही लगता है कि इन दोनों को दूसरों के इमोशंस की कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि इन दोनों का दिल पत्थर का है ना दोस्तों? आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है ना? बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि आप लोगों ने वही देखा जो आपको दिखाया गया, और असलियत में आप लोग सच से कोसों दूर हैं। जी हाँ गाइज, उस रात की सच्चाई कुछ और ही है, और इस बात का खुलासा तब हुआ जब रेसलमेनिया 30 के कुछ दिनों बाद ब्रॉक लेसनर के मैनेजर पॉल हेमन ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में पॉल हेमन ने उस रात की सारी सच्चाई बताई कि आखिर उस रात असलियत में हुआ क्या था। पॉल हेमन ने बताया कि जब ब्रॉक लेसनर और वो अंडरटेकर को हरा के रैंप से बैक स्टेज जा रहे थे, तो उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ब्रॉक लेसनर अपने कैरेक्टर को तोड़ के रोने न लग जाए। पॉल हेमन का कहना था कि वो इतने सालों से ब्रॉक लेसनर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा पहला वक्त था जहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को इतना ज्यादा इमोशनल देखा था। हालांकि इसके बावजूद जैसे तैसे ब्रॉक लेसनर अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैक स्टेज गए, लेकिन जैसे ही वो बैक स्टेज गए और वहां लगी एक स्क्रीन पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने अंडरटेकर को देखा, वो रोने लग गए। और फिर इसके थोड़ी देर बाद वहां पर अंडरटेकर भी आ गए, और जिसके बाद विंस मैकमैन अंडरटेकर को हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जैसे ही ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले, ब्रॉक लेसनर भी उनके साथ जाने की जिद करने लगे, पर WWE के पॉलिसीज के तहत पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को ऐसा करने से रोकने लगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर थे कि वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो फिर ब्रॉक लेसनर की जिद को देख के पॉल हेमन ने कहा कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और मैं तुम्हें फोन पे अंडरटेकर की हेल्थ को लेकर अपडेट देता रहूंगा, और तब जाके कहीं ब्रॉक लेसनर शांत हुए। गाइज, इसी के साथ साथ आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर असल जिंदगी में जिगरी दोस्त हैं, और ब्रॉक लेसनर का ऐसा कोई भी UFC का मैच नहीं रहा है जिसे देखने के लिए अंडरटेकर नहीं गए हों। तो इनकी बीच की दोस्ती को देखते हुए आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरटेकर को हराते वक्त ब्रॉक लेसनर को कैसा लगा होगा। एक रिपोर्ट में तो दोस्तों ये भी कहा गया है कि ब्रॉक लेसनर इस फाइट को लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में अंडरटेकर ने उन्हें काफी ज्यादा कन्विंस किया और तब जाके ब्रॉक लेसनर कहीं इस फाइट के लिए राजी हुए। तो गाइज, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, और वैसा ही कुछ WWE सुपरस्टार्स के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हो सकता है कि WWE में जिस सुपरस्टार को विलन दिखाया जा रहा हो, रूड दिखाया जा रहा हो, पत्थर दिल दिखाया जा रहा हो, वो असल जिंदगी में काफी नरम स्वभाव का हो और अच्छे दिल का हो। गाइज, आई होप कि अब आप लोग भी जान गए होंगे कि भले ही WWE में ब्रॉक लेसनर कितना भी ये दिखाने की कोशिश करें कि वो काफी पत्थर दिल है, एक बुरे इंसान है, लेकिन असल जिंदगी में तो वो एक काफी काइंड हार्टेड और अच्छे इंसान है। फ्रेंड्स, अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, खुदा हाफिज, गुड बाय एंड सत श्री अकाल।